वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज. स्कॉर्पियोज, ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, वो पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, इनके कॉन्शियस थॉट्स क्या हैं आपके लिए और सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं. और क्योंकि ये यू वर्सेस देम रीडिंग है तो हम ये भी देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में और हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज़ मिलके किस रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं. और ये सब देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या चाहते हैं कि आप कैसे बिहेव करें इनसे या फिर क्या एक्शन लें इनके टूवर्ड्स, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे और इस कनेक्शन से, ये देखेंगे. और उसके बाद में विथ ड्यू परमिशन ऑफ यूनिवर्स हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पर्सन अपनी कुछ फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी बात है जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है. और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे आपके लिए स्कॉर्पियोस. और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से साइंस आए हैं रीडिंग में और हम कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे जिसमें आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, आपका नाम मिल सकता है. वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा आपकी रीडिंग के लिए. ओके, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है. फॉर से कि आप स्कॉर्पियो नहीं हैं, आपकी पर्सन स्कॉर्पियो हैं और आप इस रीडिंग पे आए हैं तो आप क्रॉस वॉचर भी हो सकते हैं. क्रॉस वॉचर अगर आप हैं तो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है, वाइसा वर्सा हो सकती है. तो थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको रियलाइज हो, ओके ये मेरा साइड है, ये मेरे पर्सन का साइड है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो ये बेसिकली आपके पर्सन का साइड है स्कॉर्पियोज और ये आपका साइड है. सबसे पहले तो मेन एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए, जिसमें आया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेथ. ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज दिख रहे हैं यहाँ पे. ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जब आप मिले थे या फिर लास्ट टाइम जब आपकी बातें हुई थी इस पर्सन से, तो कुछ ऐसी बात हो सकती है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे पर्सन हर्ट हो गया हो, या फिर कुछ ऐसी बात हुई हो जिससे आपने इस पर्सन को थोड़ा सा हर्ट कर दिया हो. या फिर अगर लास्ट टाइम मिलने से नहीं हुआ है तो आई डोंट नो, देर इज़ लाइक कि आप मिले, आपने बातें की, लोगों के बारे में बातें हो रही है, ग्रुप में मिल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद में यहाँ पे कुछ पेनफुल फील कर रहा है ये पर्सन. थोड़ा सा यहाँ पे पेन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है बेसिकली स्कॉर्पियोज. ओके, उसके बाद में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है. द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आप में से बाकी लोगों के लिए द वर्ल्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कोई चैप्टर है जो क्लोज हुआ है आप दोनों के बीच में. ऐसा हो सकता है आपके कनेक्शन की एक साइकिल फिनिश हो गई हो, और आप लोग किसी दूसरे फेज़ में अभी चल रहे हैं. पहले जैसी आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत चेंजेस आए हैं मेरे कनेक्शन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मेरे कनेक्शन में. और ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इस पर्सन से रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशनशिप हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, इट डिपेंड्स बट यहाँ पे बेसिकली मेन क्या दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली कोई साइकिल आपके कनेक्शन की खत्म हुई है. ओके, तो चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं. व्हाई एम आई रिपीटिंग माई सेल्फ, यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है आपसे, कॉल नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये पर्सन अभी बहुत ही नो एक्शन जोन में है क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा पेन फील कर रहा है. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिल रहे हों, बातें कर रहे हों एक दूसरे से, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगा रहा हो इस कनेक्शन में. फोर ऑफ सॉर्ट्स से समझ में आ रहा है कि इस
इस पर्सन ने अपनी शॉर्ट्स को डाउन कर दिया है, इनएक्टिव दिख रहा है ये पर्सन, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। ऑन द अदर हैंड इस कार्ड में आप दिख रहे हैं मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता है स्कॉर्पियो, आप मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ये बस एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब ये पर्सन बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो गया है, या फिर ऐसी फीलिंग भी आ सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये पर्सन बहुत ही ड्रॉप डेड साइलेंस आपको दे रहा है। तो यहाँ पे लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है इस पर्सन का यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी है इस पर्सन की फीलिंग्स में, इस पर्सन की फीलिंग्स में डेथ की एनर्जी है, मतलब कि अगेन द वर्ल्ड की तरह ही डेथ भी होता है, और डेथ बता रहे कि इस पर्सन को कुछ एंडिंग फील हो रही है आपके साथ में, यू नो कि कुछ एंडिंग हो गई है या कुछ अंत हो गया है, या फिर यू नो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं आपके पर्सन के मन में आपके साथ में कनेक्शन में। अभी आपके साइड से हम देखें तो हमने चार कार्ड्स निकाले हैं, आपके साइड से जजमेंट आया है। जजमेंट बेसिकली ये बताता है कि आप इस कनेक्शन में सेकेंड चांसेस चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेथ है आपके पर्सन की साइड से, मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि ओके ये चैप्टर क्लोज हो गया है मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में, बट स्कॉर्पियो जजमेंट चाह रहे हैं, मतलब कि आप बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं कि एक चांस मिले, एक और चांस मिले इस कनेक्शन को, इस चांस, और जो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को चांस मिल भी सकता है, मिलेगा भी, और ऐसा कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख भी रहा है। टू बी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो, थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट इतनी जल्दी किसी कॉन्क्लूजन पे आना ठीक नहीं है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट जजमेंट आपका डेस्परेशन दिखा रहा है कि आपको एक चांस मिले। आप अपना आप अपने पर्सन का अटेंशन अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ, मुझे नहीं पता आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि आपकी पर्सन आपको नोटिस करें, आपको वैलिडेट करें, या फिर आपके बारे में सोचें, तो आप अगेन अपने पर्सन को कुछ ना कुछ करके आप उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही टिपिकल सोलमेट एनर्जी है, तो यस आप सोल कनेक्शन इस पर्सन से फील करते हैं। कई बार फोर ऑफ वांड्स ट्विन फ्लेम जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसे 11-11 कार्ड भी बोलते हैं, ये लाइक बहुत ही ज़्यादा पक्का सोल कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इस सोल कनेक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा अभी लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको डार्क लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, या फिर बहुत ही एक वॉइड क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स, तो आप थोड़ा सा लोनलीनेस में दिख रहे हैं, थोड़ा सा कोल्ड इन्वायरमेंट में आप दिख रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसकी वजह से। ओह माय गॉड यू गाइस, आप दोनों का सच में सोल कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए फोर ऑफ वांड्स आया था, और आपके पर्सन की साइड से भी फोर ऑफ वांड्स आया है, मतलब कि आप दोनों समहाउ एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, आप दोनों की साइड से ये सोल कनेक्शन दिख रहा है। फोर ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, दिस इज सो क्यूट। उसके बाद यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिमिलर एनर्जीज हैं आप दोनों की इस सोल कनेक्शन में, आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, और ये पर्सन भी इस सोल कनेक्शन से थोड़ा अलग अलग सा फील कर रहा है, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी अभी हर्मिट में है। हर्मिट की एनर्जी होना मतलब यस आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बिकॉज एक हर्मिट वो पर्सन होता है जो दुनिया से बहुत ही अलग अलग है, अपने पर्सन से थोड़ा सा अलग अलग है, ज़्यादातर टाइम सॉलिट्यूड में निकाल रहा है। इस सोल कनेक्शन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिवर्स को कर रहा है, और यू नो खुद भी सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इस पर्सन का चल रहा है, तो ये ऐसे फेज में स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे ये आपके कनेक्शन का सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही वियर्ड लगेगा आपको सोच के, बट इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, किसने किसके साथ क्या किया है, ये आपके कनेक्शन का सच और फ्यूचर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बात का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में दिमाग में सोच रहा है ये पर्सन अलग अलग चीज़ें। हर्मिट वो पर्सन होता है जो यू नो लोगों से एक डिस्टेंस बना के सच्चाई को ढूंढता है, नॉलेज को ढूंढता है, विजडम को ढूंढता है, तो ये पर्सन फॉर श्योर आपके कनेक्शन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
और बहुत सारे दिमाग में इस पर्सन के क्वेश्चंस हैं आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड, और उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स के साथ में द हायरोफेंट की एनर्जी आई है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। देखिए ये दोनों कार्ड बेसिकली ये बताते हैं कि ये पर्सन आपके साथ में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करता है। लाइक इस पर्सन के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं आपको लेके, इंटेंस लव हो सकता है, इंटेंस केयर हो सकती है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है स्कॉर्पियो की वजह से, इस पर्सन की वजह से जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बुरा लग रहा है, प्यार भी आ रहा है, इमोशनल ओवरवेलमेंट एस ऑफ कप्स बताता है। तो चाहे उस पर्सन को आप पे गुस्सा आ रहा हो, आप पे प्यार आ रहा हो, आप पे केयर आ रही हो सकता है कि सब कुछ हो रहा हो, बट ये जो चीज़ है ये इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। साथ में हायरोफेंट है यहाँ पे, हायरोफेंट ये बता रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है, या तो हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और अगर आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका तो हमें फॉर श्योर इस रीडिंग में देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो। बट मोस्टली कई बार द हायरोफेंट ये भी बताता है हायर अथॉरिटी का होना, ये कार्ड इतनी बार आ रहा है आजकल लव रीडिंग में, तो द हायरोफेंट ये भी बताते हैं कि हायर अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, मतलब सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, ये और वो, क्योंकि कोई अथॉरिटी है आप दोनों की लाइफ में, एटलीस्ट इस पर्सन की लाइफ में, जो गवर्न कर रही है आपके डिसीजंस को या इम्पैक्ट डाल रही है आपके कनेक्शन पे। ये इनका रिलीजन हो सकता है, इनका कास्ट हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी, यू नो, ओ माई गॉड आई एम फंबलिंग हार्डकोर। सो यहाँ पे रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो कोई हायर अथॉरिटी है जो यू नो डोमिनेट कर रही है कनेक्शन को। कई बार ये भी चीज़ हमें द हायरोफेंट से पता चलती है, बट यस, आप दोनों के बीच में लंबी हिस्ट्री है और इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच है, चाहे वो लव हो, चाहे वो हेट हो, चाहे वो इरिटेशन हो, अनॉयंस हो, आई डोंट इवन नो कि अनॉयंस कोई वर्ड होता है कि नहीं, बट यहाँ पे हैंग्ड मैन है, और हैंग्ड मैन बता रहे कि ये पर्सन यू नो बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ इस कनेक्शन में फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है इस कनेक्शन में, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, हम दोनों के बीच में पॉज आ गया है, ठहर गया है ये कनेक्शन, और यू नो कुछ हो नहीं पा रहा है इस कनेक्शन का। तो ये भी फीलिंग इस पर्सन के अंदर है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। अब आई डोंट नो कि ये खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा है कि इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे डेथ था और द वर्ल्ड था, बट मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि इस पर्सन ने शायद से गिव अप कर दिया इस पर्सन को। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा था कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, बट यहाँ पे जो एस ऑफ कप्स दिखा है और द हर्मिट दिखा है उससे ये समझ में आ रहा है कि पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब जो कार्ड दिखा है उससे हमें समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पॉज हो चुका है कनेक्शन, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, लाइक ये पर्सन एक जगह पे नहीं ठहर रहा है, इस पर्सन का दिमाग एक जगह पे नहीं रुक रहा है। यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी बेसिकली लिसन स्कॉर्पियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें बताती हैं यहाँ पे, और आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी बात है। ओके, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं, तो इस पर्सन ने डिसाइड किया है कि अब मुझे लड़ना नहीं है, अब मुझे किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, अब मुझे किसी झगड़े में नहीं पड़ना है, लाइक मुझे अब अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए। ये बहुत ही हार्ड कोर डिसीज़न है इस पर्सन का कि मुझे पीस चाहिए, और ये पर्सन डिसाइड कर चुका है। तो अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेगुलरली होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप दोनों बहुत ही अलग अलग लोग हैं, बहुत ही डिफरेंट पेज पे हैं, टॉक्सिसिटी है कुछ कनेक्शन में, तो इस पर्सन को पीस चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे वो पीस लेते हुए दिख रहा है ये पर्सन, और कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में फैमिली, रिलीजन और ऐसी चीज़ें हैं कि फैमिली का इंटरफेरेंस है, रिलीजन का इंटरफेरेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे था हायरोफेंट देखा था, तो एक चीज़ ये हो सकती है कि पर्सन उन लोगों से लड़ लड़ के थक गया है और थोड़ा सा गिव अप करना चाहता है कि ओके, मैं अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकती अब, मैं अपने फैमिली से नहीं लड़ सकता, या फिर मैं सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स से नहीं लड़ सकता, तो किसी लड़ाई में को लड़ते लड़ते ये पर्सन थक गया है और इस एनर्जी से अब निकलना चाहता है, पीस अपनी लाइफ में ढूंढ रहा है।
रहा है ये पर्सन. ओके, अभी एक आप दोनों ने एक दूसरे को फिर से मिरर किया है. यहाँ पे डेथ था आपके पर्सन की साइड से और यहाँ पे डेथ आपकी साइड से भी है. तो यस, आप दोनों को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि चीज़ें एक पॉइंट पे आके एक साइकिल आप दोनों के कनेक्शन की एंड हो गई है. यहाँ पे भी आप दोनों मिरर कर रहे थे एक दूसरे को. तो हमें दो चीज़ आप दोनों के बीच में सिमिलर लग रही है कि आप दोनों सोल कनेक्शन को फील कर सकते हैं, अपने बॉन्ड को फील कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आप दोनों को ऐसी फीलिंग आती है कि आई डोंट नो अब इस कनेक्शन में कुछ होगा या नहीं होगा. एक सेंस ऑफ वो है कि चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है या फिर चीज़ें कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं. आपकी लाइफ में पेज ऑफ वांड्स आया है और द वर्ल्ड तीसरा कार्ड है जो आप दोनों के लिए आया है. तो आप दोनों कुछ सेंस ऑफ एंडिंग यहाँ पे अगेन है. मुझे अगेन लग रहा है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को. तो यहाँ पे सोल कनेक्शन फॉर श्योर एग्जिस्ट करता है. कई बार आप दोनों सेम थॉट सोचते हो सेम टाइम पे, कई बार आप दोनों सेम चीज़ फील करते हो सेम टाइम पे. तो बहुत ज़्यादा सेम सेम एनर्जी है. इवन दो हो सकता है आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा हो कि नहीं वो पर्सन ऐसा है वैसा है अलग है मुझसे, नहीं. बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो वही वो पर्सन सोच रहा होता है जहाँ पे भी होता है. यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है स्कॉर्पियो. पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी कुछ बहुत ही अलग बात बता रही है. कहीं हम अलग ही ट्रैक पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है जो कि ये पर्सन नहीं है. तो कहीं से किसी एक अलग एनर्जी ने स्नीक कर दिया है आपकी रीडिंग में. तो देखिए आसपास कौन है जो आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है. कुछ अलग, कोई अलग पर्सन ये दिख रहा है. ओके, इसके बाद में यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. ओके, बेसिकली थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे आया है. थ्री ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है कि आप, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं. आई थिंक आप अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं और आप अपना फोकस अपने फ्रेंड्स पे लगा रहे हैं. बिकॉज लोग दिख रहे हैं जो लोग ये नहीं हैं. तो या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप हैंग आउट कर रहे हैं, या तो कुछ नए लोग हो सकते हैं. आई डोंट नो, बट आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज मुझे दिख रही हैं. इस पर्सन की लाइफ में नहीं दिखी हैं अभी तक, बट आपकी लाइफ में फॉर श्योर दिख रही हैं. और यस, अब यहाँ पे है. ओके, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी लव लाइफ में. बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आपका कंफ्यूजन बता रही है कि आप क्या करें, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर मुझे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इल्यूजन भी है. क्योंकि आपको एग्जैक्टली इल्यूजन आपकी लव लाइफ में इसीलिए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है. आई डोंट नो, समहाउ कुछ इल्यूजन है, समहाउ आपको पूरे तरीके से सच नहीं पता है, या फिर समहाउ आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स नहीं पता है, या फिर आप कन्फ्यूज हैं यहाँ पे. सेवन ऑफ पेंटिकल बहुत ही टिपिकल फीलिंग है जो हम सबको कभी ना कभी रिलेशनशिप में आती है. और वो ये है कि मैंने तो बहुत एफर्ट लगाए, उस एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं निकला. मैं अभी एफर्ट लगा के क्या करूँ, फिर कुछ भी नहीं होगा मेरे एफर्ट लगाने से, चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो ट्राई किया था. ये सारी आपकी एनर्जी दिख रही है और इसीलिए अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि एफर्ट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं क्या एक्शन लूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैं कॉल करूँ, क्या मैं मैसेज करूँ, क्या मैं बात करूँ, या फिर मैं छोड़ दूँ, मैं इस पर्सन के बारे में रीडिंग देखना ही छोड़ दूँ. तो बहुत ही सारे डाउट्स आपके मन में हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड. एंड आई रियली डू होप कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ें आपके डाउट्स क्लियर हों. बट आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें, उप्स आई एम सॉरी. ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें इस पर्सन का, स्कॉर्पियो के पर्सन का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिखाइए, और एक अलग पर्सपेक्टिव और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव. क्या सोच रहे हैं ये पर्सन स्कॉर्पियोज के बारे में, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली. ओके यूनिवर्स, लेट्स सी, एक और पर्सपेक्टिव देखेंगे जो थोड़ा सा अलग है. ओके, क्या है अलग पर्सपेक्टिव? पेज ऑफ कप्स. ओके, द मून. पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैंने सॉरी बोला, क्योंकि पेज ऑफ कप्स जिस जगह पे आया है, जिस डेक से आया है,
उस डेक में पेज ऑफ कप्स को बहुत ज़्यादा, स्पेशली इस कार्ड को बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना, सॉरी बोलना और यू नो चीज़ों को मेंड करने की कोशिश करना। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि पर्सन आपके साथ में कोई प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहे कि पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, और सोच रहे हैं कि पर अगर मैंने ऐसा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये पर्सन सोच बहुत रहा है, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे द मून की एनर्जी है, फ्यूचर का कुछ डर है इस पर्सन के मन में। आपसे रिलेशन में रहने के बाद में फ्यूचर का कुछ डर है यहाँ पे, तो फियर ऑफ फ्यूचर दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन का एक और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है इस कनेक्शन से रिलेटेड कि मुझे स्कॉर्पियो से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव इस पर्सन का ये है कि आपने फिर से एक दूसरे को मिरर किया है। यहाँ पे है, ओके, दोनों साइड से 5 ऑफ पेंटिकल है। एक और पर्सपेक्टिव इस पर्सन का ये है कि आपके बिना थोड़ा सा खालीपन है, वॉइड है, अकेलापन है, जो कि आप भी फील कर चुके हैं। और यहाँ पे चैरियट है। इस अकेलेपन से निकलने के लिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा है। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि पर्सन अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अगर मुझे इस लोनलीनेस से बाहर निकलना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और ऐसा हो सकता है कि कमिंग डेज में ये पर्सन आपसे बात करे, चीज़ें ठीक करे, आपके साथ में मैसेजेस करे आपको, क्योंकि ये पर्सन लोनली फील कर रहा है आपके बिना या फिर लाइफ में, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा वॉइड क्रिएट हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है उस टाइम को जब आप इन्हें प्रेस किया करते थे, वैलिडेट किया करते थे, आप इन्हें सपोर्ट किया करते थे लाइफ के हर एक एंडेवर में। आई थिंक आप अभी भी करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपने सपोर्ट दिया है, आपने इस पर्सन की केयर की है, आपने इस पर्सन की हर बात को माना है या फिर हर चीज़ को फुलफिल किया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को याद करता है एंड समहाउ किसी टाइप का रिग्रेट है कि वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने लूज कर दी हैं। तो रिग्रेट है यहाँ पे, टेंशन है। किस चीज़ का टेंशन है? ये जो लूज़ किया है, जो आपसे मिलता था, जो लूज़ किया है, उसका बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ये बहुत ही टिपिकल ऐसी एनर्जी है कि जब तक वो पर्सन साथ में था तब तक हमने फॉर ग्रांटेड लिया, बट क्योंकि यहाँ पे डेथ हम बहुत बार देख चुके हैं तो एक साइकिल फॉर श्योर एंड हुई है आपके कनेक्शन की, एक सीज़न एंड हुआ है। नए चैप्टर में हो सकता है आप दोनों जाएं, बट कुछ ना कुछ डिस्टेंस आया है आप लोगों के बीच में। और ये बहुत ही टिपिकल एनर्जी है कि जब वो पर्सन साथ में था तो हमने उस पर्सन की केयर नहीं की या फिर इम्पोर्टेंस नहीं समझी, और जब वो पर्सन से एक डिस्टेंस बनता है तो रियलाइज़ होता है कि उस पर्सन ने मेरे लिए कितना किया है। तो बेसिकली यहाँ पे बैठ के पर्सन यही सोच रहा है कि स्कॉर्पियो ने मेरे लिए कितना कुछ किया है या फिर मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया है, कितना सपोर्ट दिया है, कितना प्यार दिया है, और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच में। फैमिली रीज़न हो सकता है, फैमिली या इस पर्सन का करियर, पैसा, करियर, पैसा या फैमिली फ्रेंड्स, इन लोगों की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच में। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे बार बार ये वांस दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 ऑफ वांस दिखे थे, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7 ऑफ वांस दिखाए, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्योस आपके कनेक्शन में दिख रहा है कि क्रिएट हुआ है, टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़े, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ड्रामा, गॉसिप्स, पॉलिटिक्स, ये सब ऐसा लग रहा है कि हो चुका है आप दोनों के बीच में। और समहाउ लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो हमें दिख रही है, टॉक्सिक है थोड़ी सी। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आपका ये का ओ आप दोनों की एनर्जीज फिर से रिपीट हुई हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से भी चैरियट आया था, आपकी साइड से भी चैरियट आया, बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। द चैरियट ये होता है एक इच्छा आगे लेके जाने की कनेक्शन को, एक इच्छा होती है अंदर, एक फील होता है कि ओके कुछ करते हैं या कुछ हो जाना चाहिए। एक होप, ये एक होप है जो एक पर्सन सोच रहा है, ग्रोथ की होप,
क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने हैंगमैन फील किया है आप दोनों के कनेक्शन में, तो इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि ओके सब रुक गया, सब पॉज हो गया है, अभी द चैरिट आया, मतलब कि एक होप है कि चलो कुछ करते हैं, यू नो कुछ एफर्ट लगाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पर्सन एफर्ट लगाएगा। आप ग्रोथ चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो हाथ बंधे हैं, मैंने तो ट्राई कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है इस पर्सन को करना है, ऐसा कुछ आपके थॉट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप स्टक लग रहे हो। लाइक आपका इंटेंशन क्या है, आप आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन में, बट आप स्टक लग रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई एक्शन लेने का स्पेस नहीं है, या फिर आप चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे आपके पर्सन की कुछ स्नीकीनेस दिख रही है। आपकी शिकायत ये है कि पर्सन आपके कॉल नहीं उठाता, मैसेज नहीं उठाता, आपको सारी बातें बताता नहीं है, कुछ झूठ बोलता है, ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं, और आपको लग रहा है कि इस ये पर्सन क्योंकि मुझे सारी चीज़ें नहीं बता रहा है, अगर इस पर्सन को मुझसे प्रॉब्लम है, अगर इस पर्सन को किसी और से प्रॉब्लम है, अगर इसको फ्यूचर का डर लग रहा है या जो भी हो रहा है, ये मुझे पर्सन बता क्यों नहीं रहा है, और ये पर्सन खुल के शायद बात नहीं कर रहा है आपसे, इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा है, किसी टॉपिक को अवॉइड कर रहा है, और आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। तो आप दूसरी बार मुझे कन्फ्यूज़ दिखे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये पर्सन इस कनेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से यू नो बिहेव करें इस कनेक्शन में, या फिर आप क्या एक्शन लें, ये पर्सन क्या चाहता है इस कनेक्शन से, या आपसे इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली स्कॉर्पियो की पर्सन की स्कॉर्पियो से क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन है द मून की, एक्सपेक्टेशन है एट ऑफ पेंटिकल की, एक्सपेक्टेशन है सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशन है द मून की है, द मून की एक्सपेक्टेशन आना मतलब कि ये पर्सन कोई भी फ्यूचर को लेके टेंशन नहीं चाहता है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप फ्यूचर की टेंशन ना दो इस पर्सन को, या फिर आप शायद से सीरियस डिस्कशन ना करो, बिकॉज डू रिमेंबर कि द मून हमने पहले भी देखा था इस पर्सन की एनर्जी में, और द मून इस पर्सन की एनर्जी में आया है, मतलब कि बहुत सारे टेंशन हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेके, जो कि कई बार ये पर्सन उस टेंशन को हैंडल नहीं कर पाता है, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है। तो आप दोनों के कनेक्शन में कोई स्ट्रेस है जिसे ये पर्सन हैंडल नहीं कर पाता है, और मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस पर्सन को। तो ये पर्सन आपसे मून एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि देखो फ्यूचर का मुझे नहीं पता है, फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, और ये वाली चीज़ आपको पर्सन ये समझाना चाहता है। बट यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल भी है, एट ऑफ पेंटिकल से ये समझ में आ रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ दैट, नो मैटर ये पर्सन क्या कर रहा है आपके साथ में, क्या नहीं कर रहा है, ये चाहते हैं कि आप एफर्ट लगाते रहें इस पर्सन पे, एफर्ट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो, बिकॉज ये पर्सन चाह रहा है कि आप एफर्ट लगाओ, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी नहीं चाह रहा कि आप कुछ फ्यूचर के बारे में बात करो। एट द सेम टाइम यहाँ पे थ्री ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है, ये पर्सन चाहता है कि आपने अगर इस पर्सन को हर्ट किया है, एटीट्यूड दिखाया है रिसेंटली, आपका बिहेवियर अगर इस पर्सन की तरफ चेंज हुआ है, या फिर अगर ये पर्सन को आपने कुछ गलत बोला है, तो आप अगेन उनको सॉरी बोलो आके, या फिर जो डैमेज आपने पहुंचाया है इनकी लाइफ में, उस डैमेज को आप ठीक करो। ये हर एक कार्ड हर एक के लिए नहीं होगा, तो ओनली टेक वॉट रेजनेट्स। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इनके भी पेन को समझें, ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये भी समझें कि जो कुछ भी आप दोनों के कनेक्शन में होता है, टॉक्सिसिटी, कॉन्फ्लिक्ट, सीरियस डिस्कशन, उससे इस प्रॉब्लम को भी डिसअपॉइंट इस पर ओ माई गॉड इस पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, या फिर किसी टाइप का यू नो पेन फील होता है इस पर्सन को। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका भी पेन आप समझो, इनकी भी प्रॉब्लम आप समझो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो ये पर्सन आपसे हाइड करके रख रहे हैं, कौन सी ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी क्या है, कनेक्शन की एनर्जी क्या है, आप दोनों की एनर्जी मिलके आपके कनेक्शन
कि क्या एनर्जी को क्रिएट कर रही हैं। ओके, ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स छुपा रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये छुपा रहा है कि इनको कुछ ऐसी बातें पता हैं जो आपको लगता है कि इनको नहीं पता हैं। इस पर्सन को कुछ सुनने को मिला है, कुछ जानने को मिला है आप दोनों के बारे में, आपके बारे में। ऐसा कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को मिली है जो कि अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। तो कुछ बात है जो किसी और के मुंह से इस पर्सन ने आपके बारे में सुनी है। उसके बाद में द डेविल है। आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिसिटी है, कोई इंटरफेरेंस है, कोई घर का पर्सन, कोई बाहर का फ्रेंड और कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है आप दोनों के कनेक्शन में। मदर फिगर, फादर फिगर, फ्रेंड्स, यू नो, कोई भी हो सकता है। तो कोई पर्सन है जो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है या फिर इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, बिकॉज़ ये हिडन एनर्जी है जो आपको पता नहीं है बट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स से आपको कौन सी बातें आपसे छुपा रहे हैं कि नो मैटर आप दोनों कहाँ पे स्टैंड करते हो अभी कनेक्शन में, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपका फेसबुक देखते हैं, फेसबुक, ओह माय गॉड, इंस्टाग्राम, सोशल्स देखते हैं आपके, ओके, आपके सोशल्स देखते हैं और स्टॉक करते हैं, या फिर लोगों से पूछते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, यू नो। तो ये स्टॉकिंग नॉट इन अ बैड वे, कोई क्रीपी वे में पर्सन स्टॉक नहीं करता, बट येस, इस पर्सन को जानना होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। द टेम्परेंस है, ओ माई गॉड, सॉरी, टेम्परेंस है यहाँ पे। टेम्परेंस से समझ में आ रहा है कि पर्सन आपसे ये छुपा रहा है कि इस कनेक्शन में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं चीज़ों को। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई बैड ब्लड रहे, ये नहीं चाहते कि आप इनसे नफरत करो, ये नहीं चाहते कि आप इन्हें हेट करो, ये नहीं चाहते कि यू नो ऐसा कुछ भी ये पर्सन नहीं चाहता है। अब चलिए आपके कनेक्शन की एनर्जी देखते हैं। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली कि कनेक्शन की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन की, और फ्यूचर के लिए हमें क्या प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही हैं। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है इस कनेक्शन की। प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। ओके 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 ओके, फाइव ऑफ कप्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून अक्सर ये बताता है कि डेस्टिनी का एक रोल है आप दोनों के बीच में, यू नो, डेस्टिनी कुछ करेगी, कुछ गेम्स डेस्टिनी खेलने वाली है। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो ये बताता है कि जो भी कुछ होगा आपके फेवर में होगा, आपके हाईएस्ट गुड में होगा। तो आप दोनों डेस्टिनी से कनेक्टेड हैं, आई थिंक आप दोनों के कर्मास कनेक्टेड हैं। नो मैटर आपका सोल कनेक्शन क्यों ना हो, ये बस बोलने की बात है कि सोल कनेक्शन के साथ में कर्मास नहीं होते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ थे तो फॉर श्योर कर्मास क्रिएट होते हैं, और आप दोनों के कर्मास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए भी आई थिंक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज आप दोनों के कर्मास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी में डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, डेस्टिनी का रोल दिख रहा है और सन दिख रहा है। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। सन ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई प्योर एनर्जी है, लाइक प्योर सोल कनेक्शन है, बट उसके बाद भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आपका कनेक्शन स्टैंड करता है, और कुछ ना कुछ डेस्टिनी है। आपके कनेक्शन की एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी दिख रही है। आपके कनेक्शन की एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखना मतलब कि बहुत ही रैपिडली आपका कनेक्शन चेंज हो रहा है और चेंज होगा आगे, मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो बहुत ही तेज़ी से आपका कनेक्शन चेंज हो रहा है, और कनेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज डेस्टिनी इज़ एट प्ले। यहाँ पे अगेन डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, आपके कनेक्शन की एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिख रही है। आप लोग डिसअपॉइंटेड हैं एक दूसरे से, और इसीलिए आपका कनेक्शन भी डिसअपॉइंटेड एनर्जी में दिख रहा है कि ओके, यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, खुशी नहीं मिल रही है दोनों को, खुशी नहीं मिल रही है दोनों को, फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं स्कॉर्पियोज।
अब कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, बट यहाँ पे सन होना है। आई एम सो सरप्राइज कि यहाँ पे सन आया है, बिकॉज सन ये बताता है कि अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहे कुछ भी कर रहे हों, आप लोगों का सोल कनेक्शन है, लाइक सोल लेवल पे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन है। चाहे आप लोगों ने एक दूसरे को परेशान कर दिया हो पिछले कुछ टाइम में, बट इतनी ज़्यादा प्योरिटी दिख रही है। आप देखो कि कैसे कार्ड हैं, एक ये कार्ड है, कि ये कार्ड है, कि ये कार्ड है, उसमें एक इतना इनोसेंट प्योरिटी से भरा हुआ कार्ड दिख रहा है हमें। ओके, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई पर्सन आपको देख रहा है और आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। स्कॉर्पियोज, आई डोंट नो वो पर्सन कौन है। सेपरेशन, येस, आप सेपरेशन फील कर रहे हो, ये बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है इस कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हैं। बट वॉट एल्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपका एक लेसन छुपा हुआ है, और जितनी जल्दी आप लेसन को सीख लोगे उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। और आपका लव, आपका लेसन ये है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। स्पेशली ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाके अपने पर्सन पे को डिपेंडेंट हो जाते हैं, लाइक आपका मूड उस पर डिपेंड करता है कि आपके पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ज़रा सी भी आपको अटेंशन देना बंद कर देते हैं तो आपको बहुत बुरा लगने लगता है। आपके पर्सन ज़रा भी आपके बिना इधर उधर चले जाते हैं तो आपको बहुत बुरा लगने लगता है कि इससे क्यों बात की, उससे क्यों बात की। आपको कोई भी काम करना होता है तो आप अपने पर्सन पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर ये एनर्जीज आपकी हैं, जो कि नेचुरल बीइंग अ ह्यूमन हम में होती है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी लव लाइफ का लेसन ये हो सकता है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्यार दे, को डिपेंडेंसी से बाहर निकले। और अगर आप ऐसा भी करते हैं कि आप सारा का सारा प्यार, केयर, अपना टाइम, अपने पैसे, सब कुछ अपने पर्सन पे लगा देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ते, हमेशा अपने पर्सन को आगे रखते हैं, तो भी आपका लेसन है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को नर्चर करें, खुद को प्यार दें, किसी पर डिपेंडेंट मत रहें, ये आपका लव लेसन हो सकता है। और जब तक आप ये लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक बहुत बार आपके कनेक्शंस में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यूनिवर्स ये लेसन आपको सिखाना चाहते हैं कि थोड़ा सा कम डिपेंडेंट रहें। एक्सप्रेस योर लव, बहुत ही हार्ड टू हार्ड डिस्कशन किसी पर्सन से आपका इस मंथ होते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो किससे हो रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड टू हार्ड डिस्कशन आप किसी पर्सन से अपनी लव लाइफ के बारे में कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, येस, आप दोनों को ये लेसन भी लर्न करना है कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, अपने लेसन्स लर्न करें। तो अगर आपका अगेन सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो जो भी कनेक्शन है, बहुत सारे कर्मास क्लियर आउट हो रहे हैं, लेसन्स आप एक दूसरे के थ्रू लर्न कर रहे हैं, बिकॉज आपकी सोल डिसाइड करके आई थी कि हम एक दूसरे को यू नो कुछ ना कुछ लेसन्स सिखाएंगे। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस, लर्निंग, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ी सी चीज़ें ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। आई नो किसी ने कुछ गलती की और उसको माफ़ करना, और एक ही बार कुछ गलत हो रहा है और उससे ही अपने लेसन्स को लर्न कर लेना बिना साइकिल को रिपीट करवाए, तो ये कुछ बहुत ही सोल लेवल की स्पिरिचुअल चीज़ें आपकी लव लाइफ में चल रही हैं, जो शायद आप में से ज़्यादातर लोग समझ भी नहीं पाएंगे, बट दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है। रिट्रीट आया है, कुछ अच्छा टाइम आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहा है। ट्रू लव, आपकी किस्मत में ट्रू लव लिखा हुआ है स्कॉर्पियोस, नो मैटर आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ट्रू लव इज़ देयर। और क्योंकि आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस आई है, तो यूनिवर्स का एक मैसेज मैं यहाँ पे लूँगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली स्कॉर्पियोज़ की लव लाइफ में स्कॉर्पियोज़ को क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ शो अस क्लियरली। ओके, सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ। कभी कभी हमें पुरानी चीज़ों को सरेंडर करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, जिससे कि नई चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकें। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। जैसे ही आप लेट गो करेंगे पुरानी चीज़ को, नई चीज़ बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके, तो ये एक मैसेज था जो मुझे इस डेक से लेना था, बिकॉज मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा था कि हमें उस डेक को यूज़ करना है। अब इसमें से हम तीन कार्ड्स लेंगे और लास्ट आपकी गाइडेंस इस रीडिंग की। इम्प्रूविंग हेल्थ, परफेक्ट टाइमिंग,
बी असर्टिव. सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. स्पेशली जो लोग सोच रहे हैं कि अब लव लाइफ में बहुत लेट हो गया, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट टाइम पे चल रहा है. और परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. कोई भी चिंता की बात नहीं है. अभी अपने मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करिए. आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है, बट मेंटल हेल्थ को ठीक करिए, फिजिकल हेल्थ को ठीक करिए, उधर फोकस करिए. सब चीज़ अपने परफेक्ट टाइमिंग से हो जाएगी. बी असर्टिव. हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर एक इंसान से ऊपर रखें. अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म में आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा या फिर आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा. अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा. इस चीज़ को याद रखिएगा. अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और उसके बाद हम अल्फाबेट्स देखेंगे, जिससे कि आप में से जो लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये रीडिंग मेरी थी या नहीं थी, उनको एक क्लैरिटी मिल सके कि ऐसी आपकी रीडिंग थी. ये सेक्शन हम उन लोगों के लिए करते हैं जो लोग कन्फ्यूज हैं कि रीडिंग मेरी थी या नहीं थी. ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स दिख रहे हैं, मकर राशि. यहाँ पे सैजिटेरियस दिख रहे हैं, धनु राशि. स्कॉर्पियोज, आपके पर्सन भी स्कॉर्पियोज हो सकते हैं. यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, कन्या राशि. सैजिटेरियस दिख रहे हैं, फिर से धनु राशि. टॉरस है यहाँ पे, वृषभ राशि. कैंसेरियंस है यहाँ पे, कर्क राशि. कैप्रिकॉन है यहाँ पे, मकर राशि. पाइसीज है, मीन राशि. ओके. कैप्रिकॉन फिर से दिख रहे हैं, कर्क राशि. और टॉरस फिर से दिख रहे हैं, वृषभ राशि. वर्गो फिर से दिख रहे हैं, कन्या राशि. ओके, लिब्रा है हमारे पास, और जेमिनाई है, और एक्वेरियस भी हैं, मतलब कि यहाँ पे तुला राशि है, मिथुन राशि है, और कुंभ राशि है. थोड़ा बहुत, काफ़ी सारा फायर भी है यहाँ पे. तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी एग्जिस्ट करते हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि. आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप अल्फाबेट देखते हैं. ओके, स्कॉर्पियो, और आपके जाने से पहले इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वी हैव द लेटर टी एंड आई एंड एल एंड आई एंड डी डब्ल्यू एल ओ डी आर बी आई एन यू क्यू ई एंड आर. ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं. और टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.